इसको बुला लिया। हेलो, मेरी तबीयत बहुत मतलब आ रही है। तो फिलहाल सीन ये है कि अभी डॉक्टर को चेक कराते हैं, संडे को जाना है। क्या सीन है? आप लोग दुआ करें भाई, यहाँ तबीयत ख़राब हो गई है। दुआ करें भाई डेंगू ना हो, डेंगू ना हुआ तो इंशाल्लाह आपके भाई ने ब्लॉग बनाते रहने बेहतरीन किस्म के। अगर डेंगू हो गया ना फिर भी कोशिश करेंगे, बस आपने दुआ करनी है कि आपके भाई की हिम्मत ना मतलब कम हो। अभी डॉक्टर साहब के अंदर कोई पेशेंट बैठा हुआ है, दिखाते हैं यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। ओ फॉर द बेस्ट दुआ करें भाई के लिए। हाँ जी, डेंगू लग रहा है तुम्हें? नहीं। चलो अल्लाह खैर करे, ओ फॉर द बेस्ट। यार हुआ ये कि टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड भी हुआ नहीं है, टेस्ट दिया है। दुआ करें कि एक्चुअली संडे को हल हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बाकी अल्लाह ना करे कुछ हो, डेंगू भी ना हो। डेंगू में कमजोरी बहुत होती है, ब्लॉग जो है ना बनाने पड़ते हैं भाई साहब ना। तो ओ फॉर द बेस्ट, आप सब भी दुआ करें, देखते हैं क्या बनता है। आप इतने कितने बजे? नहीं जी, मैं पहुंच चुका हूँ यार गैराज में, और ये देखें यार फिर से ना एक पिंपल निकला है। अच्छा सीन ये है कि जैसा कि आपको पता है मैं टेस्ट दे आया हूँ अपना, ब्लड टेस्ट होगा मेरा और रात को शाम 8 बजे उसकी रिपोर्ट आ जानी है। अभी मैं आया हूँ डोडो के पास, और क्योंकि 2 दिन से गाड़ी नहीं चली, मैं आपको दिखाता हूँ किस हाल में। नहीं जी, डोडो के साथ ये एक रेड कलर की डोडो भी खड़ी है, और साथ ही हमारी वाइट कलर, रेड कलर भी ऐसे प्यारा लग रहा है। अगर हम गाड़ी में रैप करवाना चाहें तो रेड कलर भी प्यारा लगेगा वैसे, मतलब अच्छा लग रहा है। ये फुल ऑप्शन वाली है, स्पेस सनरूफ भी है। तो फिलहाल डोडो यार फुल लोन गंदी हुई, क्योंकि मैं 2 दिन बाद तकरीबन गाड़ी निकाल रहा हूँ, 2 दिन बाद। और मेरी तबीयत का ये सीन है कि यार बुखार अभी भी है मुझे, मतलब कि मैंने अभी पैंडोल खाई है, थोड़ा सा कम हुआ है, और टांगे मेरी दर्द हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा भाई व्लॉग मैंने बनाना है इंशाल्लाह, भाई अपनी यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना उसको कभी बोर नहीं होने देना, इंशाल्लाह व्लॉग हमने इंशाल्लाह बनाना ही बनाना है। तो फिलहाल गाड़ी निकालने लगूँ और इसको धुलवाते धुलवाते हैं, थोड़ा साफ़ सुफ़ करते हैं। संडे को ईद मिलादुन्नबी भी आ रही है, इसलिए भाई इंशाल्लाह उससे पहले तबीयत ठीक करनी, क्योंकि हमने जाना है बाहर, आपको रोन के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। तो कर लिया जी स्टार्ट, और गाड़ी का साउंड माशाल्लाह इस टाइम VIP आ रहा है, और सबसे पहला गाड़ी को कर लिया जी स्टार्ट, और गाड़ी का साउंड माशाल्लाह इस टाइम VIP आ रहा है। और सबसे पहला आपको पता है हमारा स्टॉप होता है निकल के, सबसे पहला पेट्रोल, पेट्रोल भाई गाड़ी चलानी है ना तो पेट्रोल बियर करते रहना है। तो फिलहाल यार भाई के चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिलहाल सबसे पहले गाड़ी को वॉश करते हैं या करवाते हैं भाई, खूब तो नहीं कर सके क्योंकि बुखार है, बाहर से करवानी पड़ेगी। और सीन ये यार, तो भाई जान प्रोजेक्ट सिविक ES अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो मुझे लाजमी है, उसका आप लोगों ने मशवरा देना है कि प्रोजेक्ट ES हमें करना चाहिए। गाड़ी बहुत फिट है, गाड़ी बहुत मज़े की तैयार होती है, प्रोजेक्ट ES तो बहुत मज़े का तैयार होता है ना, तो उसका मशवरा मुझे लाजमी दीजिएगा। ब्लॉग अपलोड हो गया जाके लाजमी देखें, ऑफ फॉर द बेस्ट। चलते हैं जी रोड। नहीं जी, फाइनली अपना स्टॉप आ चुका है पेट्रोल वाला, यहाँ से मैं डलवाता हूँ यार पेट्रोल ना, मेरी आदत बन गई है, और पेट्रोल डलवाते हैं सबसे पहले भाई जान। पेट्रोल वाला मिशन डन यार। यार जा रहे हैं रिपोर्टें लेने, और रिपोर्ट्स में देखो क्या आता है। मुझे तो डर है यार कोई डेंगू वगैरह ना आए, बस बाकी गैर है। जा रही हैं भाई वगैरह भी साथ हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो फॉर द बेस्ट दुआ करें बस भाई के लिए यार, क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने होते हैं, और डेंगू के बाद हिम्मत नहीं रहती। अगर डेंगू हो गया ना उसके बाद यकीन करें बहुत बंदा डाउन हो जाता है, एक्सट्रीम डाउन हो जाता है। फाइनली यार पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास, और यहाँ से मेरे टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट, और देखते हैं क्या बनता है, यकीन करें। सिर्फ मुझे व्लॉग की टेंशन है, मुझे अपनी भी टेंशन है, अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह। लेकिन जो है ना मुझे सिर्फ व्लॉग की टेंशन है, डेंगू में व्लॉग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हिम्मत डाउन हो जाती है। डेंगू अल्लाह के करम से ठीक हो जाता है, हिम्मत डाउन हो जाती है। फाइनली यार मुझे जो है डेंगू डायग्नोज हो गया, और इस टाइम आपका भैया डॉक्टर पे और साथ वगैरह भी खड़े हैं। हाँ जी, बेबी पिंक ड्रिप लग गई है, मत बज गई है, मेरा जिसम बहुत दर्द कर रहा है इस टाइम, मेरी आदत बहुत अजीब हो रही है, समझ से बात काम हो रहा है भाई। फिर भी इंशाल्लाह ब्लॉग्स आपका भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डेली डालने का, बेफिक्र रहो, पक्की बात है ब्लॉग्स बिल्कुल डेली डालने हैं। ऊपर दादाज भाई के लिए दुआ करें, दर्द जिसम में बहुत है, बुखार इंशाल्लाह कम हो जाएगा इंशाल्लाह।
का करम है और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट भाई के लिए दुआ करें यार। लेकिन चैनल में मुझे बहुत दर्द है जिसमें बहुत दर्द बुखार और बुखार भी मुझे जो है तकरीबन हो गया था 103 के करीब और बस दुआ करें भाई के लिए इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो के लोग जल्दी आएंगे। भाई बैठे हैं लगे हुए हैं हॉस्पिटल में दुआ करें साथ भी आ गए ठीक है अल्लाह का शुक्र है बेहतर है तबीयत बुखार काम हो गया ड्रिप्स लगनी है मुझे 2 से 3 दिन लेकिन इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे बेफिक्र रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे भाई को सपोर्ट करते हैं। आज जेन था सिविक का फाइनल करते लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं उठती जब मैं टेस्ट देख के आऊँ मेरी बस हो चुकी थी उस टाइम तो होप फॉर द बेस्ट अल्लाह का खैर करें भाई के लिए दुआ करेंगे। जैसा कि यार आप लोगों ने देखा है पिछले क्लिप में कि मैं था हॉस्पिटल में और अभी मैं हूँ घर और ड्रिप्स वगैरह दिखे हैं पड़ी हैं घर पर लग रही हैं ड्रिप्स। अब सीन ये है यार कि बुखार उतर जाता है लेकिन जिसम बहुत जो है दर्द कर रहा है एक्सट्रीम मतलब कि टांगे तो इतनी दर्द कर रही है ना कि टांगे तो ऐसा लग रहा है कि टांगे टूट जाएंगी। यार अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई डेंगू बहुत बुरी चीज़ है यार बहुत बुरी चीज़ है। और ना और आप लोग यकीन करें कि आपके भाई ने फुल सोचा था कि आपका भाई ब्लॉग मतलब एक किस्म की हमारी ब्लॉग की भी स्ट्रीक चल रही है तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा ही होने वाला है कि हम लोगों ने ना रोज़ाना व्लॉग बना रहे हैं हम लोग ना। जी तो जनाब क्या हाल है आप सबका है आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं कि इस टाइम कितना मैं बीमार लग रहा हूँ और सिर्फ डॉक्टर ने कहा भाई ये चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ये पीना आपने अब ये क्या है ये है जी सेब का जूस चंगा प्रोटीन से नहीं है डेंगू में सिर्फ ये होता है कि आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पीना लाजमी है। और यार दुआ करें आप भाई जल्दी जल्दी ठीक हो तो हम लोग अपनी गाड़ी का गाड़ियों की वीडियोस को दोबारा इन्हीं करें मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं और आपके भाई का ब्लॉग एक ना मोबाइल ख़रीदना हम डिवाइस अपनी चेंज कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि यार आपके ना माइक में आवाज़ कुछ वीडियोज़ में ना माइक की आवाज़ नहीं ठीक आती तो मैंने यही सोचा कि हम लोग अब डिवाइस ही चेंज कर लेंगे मोबाइल ही चेंज कर लेंगे वो मैंने कहा यार कर लेते हैं चेंज। अब सीन ये है भाई चिड़ियाँ फुल ऑन बोल रही हैं हसनात ने मुझे यही का कहता है भाई वो पता है तू घर से निकल तो नहीं सकता क्योंकि हिम्मत नहीं है अभी हम लोग घर आते हैं शुगर मस्ती करते हैं तो इंजॉय भी हो जाएगा थोड़ा सा मैंने कहा चलो डन कराओ तुम लोग आ जाओ तो यार आप लोग भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना कि अब वो लोग आ रहे हैं कोई शुगर मस्ती करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन आप भाई की हिम्मत देखें यकीन करें मेरी टांगों में शदीद दर्द है शदीद जिसे कहते हैं शदीद दर्द लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। फेस अजीब ही हो गया बुखार के बाद क्योंकि बुखार यार ऐसी चीज़ है कि आपका जिस्म तोड़ के रख देती है। अब करते हैं बात सिविक की जो सिविक मैंने आपको दिखाई थी ES वो ES के साथ हमारा सौदा चल रहा है अभी भी क्योंकि एक्चुअली वो रिलेटिव की गाड़ी है और वो गाड़ी उन्होंने कोई गाड़ी लेनी है तो हम वो गाड़ी परचेज कर लेंगे वो तो गाड़ियाँ देख रहे हैं अभी अंकल हैं हमारे वो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं जैसे उनको कोई गाड़ी पसंद आ जाती है हम वो गाड़ी परचेज इंशाल्लाह तआला कर लेंगे। तो जैसा कि अपनी तबीयत ठीक होती है ना तो हम लोग दोबारा जाएँगे तो ES को और दोबारा से चला चलोगे चेक करेंगे क्योंकि हमने यार प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्ट वाली गाड़ी अगर ख़राब ले लो ना तो बाद में बड़े मसले मसाइल देने पड़ते हैं। और ये जो बर्नौला लगा हुआ है ना मुझे ये तकरीबन अभी 2 दिन हो गए हैं इसको ठीक है और ये इसलिए लगा रहेगा क्योंकि मुझे रोज़ाना ड्रिप लगनी होती है 2 ड्रिप्स लगती हैं बुखार की एक ताकत की क्योंकि इसकी मेडिसिन कोई नहीं होती डेंगू की डेंगू में बस टैनाडोल 2 खानी होती हैं 4-4 घंटे बाद और 2 ड्रिप्स हैं वो किस चीज़ की हैं एक बुखार की एक ताकत की है क्योंकि आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं मेरे प्लेटलेट्स अभी ठीक हैं माशाल्लाह और बस डॉक्टर ने कहा अपनी एहतियात करें और ताकत वाली चीज़ें खाते रहें उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है आप ठीक हो जाएंगे। और संडे को जो है ईद नदी है दुआ करें ये हम उससे पहले पहले ठीक हो जाए और जाएंगे आपको रोने के दिखाएंगे हर चीज़ दिखाएंगे आपको बस दुआ करें उससे पहले पहले ठीक हो जाए हम लोग यार ये हो जाए ना तो मज़ा आएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें उम्मीद पता नहीं पसंद आती है कि नहीं वीडियो क्योंकि ये सिर्फ बात है वीडियो मुझे और हालाँकि मैंने डोडो निकाली थी हिम्मत ही नहीं हुई इसे साफ करने तक की हिम्मत नहीं वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें घर में स्प्रे करें डेंगू बहुत फैला हुआ है अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह। पर यार मुझे लास्ट में आप लोग बताना कि यार कि कौन सी डिवाइस बेहतर है मतलब कि मेरा जेन था हम 11 Pro Max ले लें आईफोन का ना 11 Pro Max बेहतर रहेगा तो लास्ट में मुझे इसका भी बताएगा कि जैसे मेरा डेंगू ठीक होता है ना तो हम लोग फीस सेंटर जाके नई डिवाइस भी इंशाल्लाह ताला परचेज कर लेंगे। 11 Pro Max पे जेन है मेरा तो बाकी ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा किसकी स्टेबिलिटी अच्छी है और किसकी माइक क्वालिटी अच्छी है। अभी हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं हम अभी भी आईफोन यूज़ कर रहे हैं लेकिन ना इसमें माइक में कोई इशू आना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।